गुड मॉर्निंग गाइस, तो स्वागत है एक और नए वीडियो। मैं हूं सुरेश सिंह और आप देख रहे मेरे यूट्यूब चैनल नॉर्मल राणा। अभी हम हैं बरपेटा में आसाम और वीडियो एडिट हो रहा है भाई। तो क्या करें, वीडियो एडिट है तो करनी ही पड़ेगी। और हो रहे राजू भाई, तो अभी नाश्ता वगैरह करते हैं फिर निकलते हैं यार आराम से। ना अरे चाय भी लेता है, ऐसे बोल रहा हूँ। रेलवे जहाँ लगती है प्लेटफॉर्म बोला है, तो वही पराठा मंगा ली साथ में। खान साहब नाश्ता करता है फिर निकल। हमको प्रॉब्लम, चलो भाई चलते हैं। नाश्ता वगैरह हो चुका है, हाय हाय। बरपेटा से निकल लिए और मौसम भी बढ़िया भाई, लग तो रहा है बारिश का, लेकिन आएगा नहीं बारिश क्योंकि यहाँ ऐसा ही रहता है मौसम। जानता हूँ कि क्या करना है नहीं करना है। तो भाई 4 घंटे रेस्ट करने के बाद फाइनली हम निकल रहे हैं गुवाहाटी के लिए। अभी राजू भाई क्या बता, एक रात और सो रहे। एक रात और सेवा करेंगे फिर छोड़ेंगे मुझे। चावल लगे हुए भाई एकदम हरा भरा, देखो कितना शानदार है। जहाँ भी जाओगे आपको हरा भरा ही दिखेगा, बहुत बढ़िया है। और ये स्कूल, छोटी सी स्कूल है भाई, है ना। 3-4 महीने मौज है भाई, ठंड है ही नहीं। हाँ सॉरी, ठंड क्या, गर्मी पड़ेगी नहीं। मैं ऐसे आप सब ऐसे एरिया में जाऊंगा जहाँ सिर्फ ठंड है। और जब तक वापस आऊंगा राजस्थान तब तक तो बारिश चालू हो जाएगी, तो बारिश में फिर कोई ठंड लगे इतना मतलब गर्मी लगेगा नहीं। मेरा ये पूरा मतलब गर्मी में निकल ही जाएगा ये सीजन गर्मी का, इधर बार बार ही। ओ भाई 5:30 हुए और अंधेरा हो गया। देखो बाहर कैमरे में थोड़ी लाइट दिख रही है ना, बाकी तगड़े एकदम बढ़िया। बस बारिश हुई है यार अच्छी खासी, देखो है ना, बहुत तगड़ी बारिश हुई है। नलबाड़ी है ना, नलबाड़ी पहुँचे भाई। बारिश यहाँ थोड़ा लग रहा है, हाँ भाई बारिश हुई है ना। चाय पानी पीते हैं, रुके है भाई बीच में, आज भी आ रहे हैं डेर तैरते टहल से। लेंस पे पानी लग गया थोड़ा। चलो भाई है ना, लाइट वाइट चालू करवाई थी भाई, बंद हो गई थी भाई की। चलो ये रही चाय की दुकान भाई, बारिश आ गई भाई, देख लो कैसे गिर रही है बारिश। अब इसमें कैसे चलाए गाड़ी बताओ आप ही। ये रे राजू भाई, क्या करेगा, पानी पड़ रहा है। हाँ, और वो क्या फट गया था आपका पाइप है? पाइप फटा था आपका, फटा था गए गाड़ी का, गाड़ी ये समझे मेरा ही फटा है। है भाई सराई घाट पहुंच गए है भाई गुवाहाटी, यहाँ जाना है। और अभी ब्रिज आएगा सराई घाट ब्रिज, ये है भाई सराई घाट ब्रिज, है ना कितना तगड़ा। तो बदतर आएगी लगवा रहे गाड़ी को, बैग 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 पार्किंग में, क्या करे पार्किंग में तो लगवाना ही पड़ेगा, फिर सुबह हम निकल जाएंगे भाई। गाड़ी लगा लिया भाई, चलते हैं खाना खाने। तो भाई आज है day 2, गाड़ी हो गया खाली इसमें, अभी हमें भैया छोड़ देंगे गुवाहाटी के मेन जो ब्रिज है वहाँ, वहाँ से अपन चले जाएंगे कामाख्या माता जी का मंदिर, और फिर वहाँ से घूम घाम के एक दो जगह घूमेंगे बढ़िया। और एक बाइक तो काउ सर्विंग पे बात हुई, वो घुमा लेंगे हमें लोकल, तो फिर घूम के निकल जाएंगे शिलोंग के लिए। फिर शिलोंग होके नीचे त्रिपुरा मणिपुर ऐसे घूम के आएंगे वापस। और ये राज भाई अभी साथ छूटने वाला है हमारा, बस आज के बाद दिन भेंट होगा कब जानता है। त्रिपुरा वाले हाईवे है भाई, लोग तिरुपुरा जाता है। और रात को तो कुछ दिखा नहीं था,
अभी दिख रहा है बढ़िया, जो दिख रहा है वही है। छोटा शहर ही है, कोई इतना बड़ा भी नहीं है। चलो भाई उतर तो गए हैं, अब देखते हैं किधर क्या जाना है भाई। नाना धोना यार, क्या कहीं मिले ही नहीं। बाय बाय राजू भाई। भाई 550 किलोमीटर और 5 दिन इनके साथ रहा हूँ मैं, देख रहे हो एक पिलर सिर्फ नंबर से पता चलेगा, बाकी सेम ही लग रहा है भाई यार। कोई गुवाहाटी में ज़्यादा फर्क लग नहीं रहा है मेरे को तो। भाई भीड़ भाड़, भाई सड़कें, भाई लोग, बस देख रहे हो। और ट्रेन जा रही है पीछे आसाम। भाई G20 समिट हुआ था तब तैयारी की थी, क्योंकि इस बार असम भी हुआ था। और देख रहे हो कितना बड़ा लगा हुआ है। ऑसम असम है भाई, नॉट ए वेलकम असम। भाई हरा भरा तो बाहर है भाई, सिटी में तो बस भीड़ भाड़ ही है, देख रहे हो। सेम अपने सिटी ही है, बाकी कोई फर्क नहीं है, मेघालय गल है ना। भाई बसे भाई सब लोग वैसे ही ठेले वेले। भाई पुल इस बाहर निकलोगे ना तो बहुत सुंदर है भाई, जिस रास्ते से मैं आया हूँ ना एकदम तगड़ा नेक्स्ट लेवल है भाई, है ना। पेड़ के पत्ते कैसे एकदम, तो बारिश का मौसम तो अभी ऐसा ही रहेगा भाई। सूरज तो हमें कभी कभार दिखने को मिलेगा, तो आप सन की तो कोई आस कीजिए मत। अभी लद्दाख में भी मिलेगा, लेकिन इधर तो कम ही मिलेगा बहुत, क्योंकि ये है भाई देख लो गुवाहाटी, देख रहे हो। एक टाइम था हम भी बोलते थे भाई हम भी आएंगे, आज आएंगे। देख रहे हो भाई कितनी अच्छी पेंटिंग बना रखी है पिलर्स पे, है ना। तगड़े है भाई, बहुत दिन, 5 दिनों बाद चल रहा हूँ, तो थोड़ा हैबिट लगने में टाइम लगेगा, बट हो जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है, काम मिल जाएगा, थोड़ी देर में सीख जाएंगे। चढ़ना पड़ेगा भाई, चढ़ाई आ गई, चढ़ना तो पड़ेगा, क्या करें अभी, बोल रहे 1 घंटा लगेगा, लगेगा तो अभी चढ़ेंगे भाई। एकदम खड़ी चढ़ाई है तो 1 घंटा क्या, 2 घंटे लगने ही है, और अपने साथ तो सामान भी है भाई। चलो कोई नहीं, रेस्ट करते करते चढ़ेंगे। दिख रहा है पूरा नीचे गुवाहाटी शहर, वैसे भी अपन 5 किलोमीटर चल के आ गए, तो थोड़ा रुकना पड़ेगा। चलो भाई चढ़ते हैं माता जी का नाम लेके। ओहो चप्पल पहन के चढ़ सकते हैं ना, हाँ ठीक है भाई, काफ़ी ऊपर है यार, जितना सोचा उससे तो कितना ही ऊपर है भाई, है ना। और ये है स्टोन गेटवे गणेश का, स्टोन में, एक स्टोन में बने हुए गणेश जी की मूर्ति है। और देखिए कैसे बना रखी है भाई सीढ़ी वगैरह सब पत्थरों में, हाय हाय, है ना। मंदिर वगैरह पुराने, ओह एकदम मस्त नेक्स्ट लेवल है ना। चलना लव नहीं होगी, देखना पड़ेगा भाई, है ना। फूल पड़े इसका मतलब चढ़ते हैं भाई, एक स्टोन में बना रहे एकदम शांति, है ना। यहाँ चढ़ना है भाई धीमे धीमे, अभी भी 500 मीटर है तो काफ़ी दूर होगा, चढ़ना थोड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन चढ़ेंगे भाई, क्या कर सकते हैं, आए हैं तो चढ़ के जाएंगे, है ना। ठीक है भाई चलते, की मूर्ति और ये सारे मंदिर के हैं भाई, जो स्तंभ वगैरह थे उनके रखे हुए संभाल के लाइन में, है ना, वहाँ तक देखो पूरे संभाल रखे हैं भाई, एकदम शांति है। तो मैं धीमे भी बोलूँगा तो भी आपको आ जाएगी आवाज़, देख रहे हो। और पूरा कितना शानदार स्ट्रक्चर बना रखा है मंदिरों का, है ना। ओ भाई चलो दर्शन कर लिए भाई गणेश जी के, चलते हैं। छोटी सीढ़ी अपनानी पड़ेगी भाई, बड़ी वाली नहीं, क्योंकि चढ़ने में दिक्कत होगी फिर बाद में, देख रहे हो भाई एकदम खड़ी सीढ़ी आए, हाय हाय। ये भाई ज़्यादा पुरानी नहीं लग रही है मेरे को, चलो भाई चढ़ते हैं। कामाख्या टेम्पल बोले तो, कामाख्या टेम्पल काली माता जी का मंदिर है, देख रहे हो
कैसे चटनी को बनाया है। और तगड़ा जंगल है एकदम नेक्स्ट लेवल जंगल। चलो भाई स्क्रीन शॉट लेके थंबनेल बनाएंगे। चलो भाई इतना तो चढ़ गए, थोड़ा और बाकी है, चढ़ते हैं फिर शमशान काली टेम्पल। देख लो इतनी और चढ़नी है, फिर चढ़ेंगे ऊपर, चढ़ जाएंगे भाई आराम से। देख लो भाई इतना और चढ़ना है। ये थोड़ी ठीक है, पीछे वाली थोड़ी ज़्यादा ही लंबी थी भाई, बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ थी एक साथ में। देख रहे हो कितना शानदार है, मतलब एकदम मस्त शांत है वातावरण, इसलिए बढ़िया लगता है। बाकी है तो वैसा ही है जैसा सब्जी के होता है। एकदम खड़ी चढ़ी है, चलिए चढ़ते हैं भाई। क्या थोड़ा आराम कर दिया जाए, आराम करते हैं फिर चलते हैं भाई। करते हैं ये राम मंदिर भाई, देख रहे हो कितनी भीड़ है भाई, एकदम तगड़ी। चलो चलते हैं भाई, दर्शन करते हैं फिर मिलते हैं आप। एंट्रेंस देखने के लिए फोटो खींचना मना है, तो यहाँ से अंदर अंदर फोटो में नहीं खींच सकते आप, बाहर खींच सकते हैं। देख लो भाई बकरे वगैरह का पे, यहाँ तो बलि चढ़ती है भाई, बलि गिरता पीछे, लेकिन अपन जा नहीं सकते वहाँ, मतलब जा सकते हो लेकिन मैं नहीं जाता। अरे भाई है ना कितना शानदार दादा धाम, पूरा मंदिर प्रेस सर पहले बताओ तो मस्त है भाई, मंदिर एकदम शानदार बना रखे है ऑलरेडी पूरे ना नेक्स्ट लेवल। और ये फोटो लेना होता ऐसे लोग एकदम मस्त लेवल आ जाएंगे मस्त फोटो। कुछ ज़्यादा कुछ लेने की जियो का वाईफाई भी अवेलेबल है भाई, फ्री आप जियो वाईफाई कनेक्ट कीजिए और OTP डालिए, मोबाइल नंबर डाल के बस कनेक्टेड। स्पीड भी ठीक है, 20 MBPS का कनेक्शन है तो बढ़िया है भाई। 5,000 रुपये में यहाँ जमा करवा दीजिए, हो गए दर्शन, ले लिया वापस सामान और निकलते हैं बस स्टैंड की ओर। और धीमे धीमे पैदल पैदल चलते हैं भाई, बहुत बढ़िया है भाई एकदम मस्त भाई। गोबर भी कभी कभी धोखा देता है भाई, भाई कभी कभी गोपरा भी धोखा दे देता है भाई, फाइल करप्ट हो गई क्या करे यार, कभी कभी होता रहता है। चलते हैं नीचे चलते हैं भाई, पता नहीं क्यों कभी ना कभी तो मतलब ऐसा होता है, मेरे साथ हुआ भी है और होता भी है। वगैरह करने के पूरा मुख्य मंदिर वगैरह सब यही है, अन्ना से वैसे खाना वाना यहीं खा लीजिए, बहुत टाइम है तो अपन तो नहीं खा पाएंगे, तो अपन तो होटल में खाएंगे भाई, क्योंकि लाइन लगी पड़ी है दबा के और मेरे को जाना है नीचे भी। नीचे वहाँ पर जा रहे भाई, और एक बंदे ने पूछा भाई के और वेर भाई, तो भाई मेरे से भी गलती से निकल गया मुँह से, तो भाई तेरे से ज़्यादा ही पैसे है, वापस बोला नहीं, लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मेरी गलती है भाई मानता हूँ, क्योंकि आप ऐसा नहीं बोल सकते। तो भाई आए हैं रेस्टोरेंट में, देख लीजिए सब क्या भाई बढ़िया है, बैग रख दिया, खाते हैं और फिर निकलते हैं भाई। अभी तो कितने हैं, 3:30 हुए, 5 बजे तक नीचे चले जाएंगे, फिर बढ़िया म्यूजियम देखते हैं, लगभग तो विजिट कर ही लेंगे, और फिर देखते हैं कहीं ना कहीं बढ़िया जगह देखेंगे, लगाएंगे भाई टेंट पूरे, खाते पटाखते और निकलते हैं, क्या पता कितना प्राइस होगा लेकिन ठीक ही होगा। बढ़िया थी भाई छोले और पूड़ी मस्त था, 50 रुपये में बढ़िया, 2 पूड़ी खाई, 2 में ही मैं तो फुल हो गया भाई। चलते हैं भाई नीचे, भाई भाई नॉइस व्यू पॉइंट है भाई, चलते हैं उधर, देखो वहाँ से बताता हूँ आपको, तगड़ा व्यू पॉइंट है भाई, अपन ने तो फोटो खींच लिए एक दो बढ़िया, कोई छोड़ देगा तो बढ़िया है भाई, बहुत तगड़ा व्यू है भाई, आया है ना इतना शानदार व्यू। ओहो देखो नीचे हाईवे चल रहा है, हाँ रेत तुम्हारा भाई खड़ा है मस्त है। हम हैं भाई गुवाहाटी, क्या नज़ारा आ रहा है भाई, बैकग्राउंड में तगड़ा व्यू आ रहा है, तगड़ा पूरा शहर दिख रहा है ना, आप देख लो कुछ ऐसा है नज़ारा।
तगड़े व्यूज है भाई, तगड़े बोले तो एकदम तगड़े भाई, देख रहे हो ये पूरा शहर दिख रहा है भाई गुवाहाटी का, एकदम मस्त। इसमें इतना नहीं दिखेगा भाई आपको गोप्रो में, क्योंकि इसकी वाइड रेंज होती है, तो मोबाइल में बताता हूँ कारीगरी की हुई है, सब बताया हुआ है। राम के बारे में और शिव के बारे में, ओ उतर रहे यार नीचे, पूरा सामने गुवाहाटी शहर पूरा। ये क्या बना रखे है मूर्ति देख रहे हो, कितना शानदार बना रखा है भाई। चलो बैठते हैं भाई नीचे। भाई मेन गेट हम चढ़ गए थे स्टेयर से, उस तरफ से चढ़े थे दूसरी तरफ से, तो आप अगर आओगे गाड़ी लेके तो यहाँ से ऊपर तक गाड़ी जाती है भाई वैसे, है ना, मस्त है ना, एकदम तगड़े। ये एक मिनट फोटो खींचूंगा। ये है भाई लोग मेन गेट, अपन एंट्री नहीं हुई है ना, मस्त एकदम तगड़ा। अभी लेफ्ट लेंगे यहाँ से और चलते रहेंगे, जो रास्ते में दिखेगा वो बस घूमते रहेंगे। अभी बज रहे शाम के 5 और अभी भी अंधेरा होना लग गया भाई, यहाँ दिन जल्दी उगता है तो इसलिए अंधेरा भी जल्दी होता है। पटरियाँ भी पास में निकली हुई है ट्रेन की, देख लो एकदम मस्त भाई। ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ से वहाँ से आए अपन, देखिए हो रहा सामने भाई, देख रहे चल तो गुरुद्वारे चल रहे हैं, देखते हैं होना नहीं चाहिए भीड़, फिर भी देखते हैं यार, क्या पता हो जा भीड़। मस्त है बाकी पुल वगैरह बन गए, मस्त है ना पुल। मिस्टर टेडी बॉय नाम बता दूंगा आपको, सब्सक्राइब कर लीजिए इनके भी चैनल को, बढ़िया बढ़िया कंटेंट बनाते हैं भाई टेडी जी। देख रहे हो कितना मस्त है, वाहे गुरु जी पता है। चलो भाई तो आप आ सकते हैं, बट पहले आपको नियम बता दूँ, आपको यहाँ सफाई रखनी है और सफाई और उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप अगर कहीं 5-स्टार होटल लेने से बेहतर है आप यहाँ आइए और अपनी इच्छा से 200-400 रुपये दे दीजिए और रह लीजिए। और आप अगर नहीं, आपके पास बहुत ही इमरजेंसी, जैसे मैं बिना पैसों के ट्रैवल कर रहा हूँ, तभी आप गुरुद्वारे में फ्री में रहना प्रेफर करें, क्योंकि आप समझ सकते हैं चलाना इसको भी बहुत महंगा पड़ता है भाई। तो आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं मेरी तरह तो बात अलग है, बाकी आप आइए। होटल में रहने से बढ़िया है कि 200 या 400 रुपये में आपको इतनी बढ़िया सुविधा कहीं नहीं मिलेगी भाई, जो कि बहुत ही शानदार होता है। अभी अगर आप चाहते हो कि भाई सिर्फ मौज के लिए आए तो बढ़िया नहीं है, मैं भी इज्जत करता हूँ इसलिए मैं लास्ट ऑप्शन पे आता हूँ, क्योंकि देखिए जो भी हो दुनिया में थोड़ा महंगाई तो है ही है भाई। बाकी देखो रूम चालू है तो थोड़ा सा इनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं और चलते हैं नीचे। पहले गुरुद्वारे में आ गए तो देखिए यहाँ आज का हमारे यहाँ है और देख रहे हो बाहर के कितने जा रहे। ये है मेन सिटी में है तो कोई तो प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। अभी लंगर होगा चालू थोड़ी देर में, तो 8 बजे लंगर होता है। लंगर करके बढ़िया वीडियो एडिट करके सो जाएंगे और कल निकलेंगे भाई।